नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आगरा में ताज महोत्सव रंगारंग कार्यक्रम का बड़े धूमधाम के साथ आगाज किया गया। 20 मार्च को 19 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने फीता काट कर किया। इस दौरान यूपी पर्यटन के डायरेक्टर मुकेश मेश्राम सहित कमिश्नर आगरा और डीएम भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश दुनिया से आने वाले शिल्पी और देश भर से आने वाले खाने पीने के व्यंजनों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जहां एक छत के नीचे परिधानों को लेकर खान पान और अलग अलग संस्कृति का मिलन देखने को मिलता है। जैसे कि ताज महोत्सव के माध्यम से पूरे देश दुनिया को आप दिखाते हैं कि हमारे पास ये है और आप आओ इसको देखने के लिए। ये आप इसको 10 दिन दिखाते हैं और कहते हैं अगले 355 दिन के लिए आप यहाँ पे आइए और आकर के यहाँ के इन अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग विधाओं को आप इसको आनंद लीजिए, क्योंकि पर्यटन जो है हर आदमी पर्यटक होता है, हर कोई पर्यटक होता है। आप ये मान के चलो आप भी पर्यटक हो तो हर कोई नई चीज़ को देखना चाहता है, समझना चाहता है, सब उसके उसके अंदर से कुछ नई चीज़ निकालना चाहता है, अपने लिए निकालना चाहता है, परिवार के लिए निकालना चाहता है, कुछ विश्राम के क्षण लेना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप उन सारी के सारे बुके, अब जैसे कि गुलदस्ते में तमाम सारे फूल हैं, अलग अलग किस्म के फूल हैं, अलग अलग साइज़ के फूल हैं, अलग अलग सुगंध के फूल हैं, इसी प्रकार से सारी चीज़ों को ताज महोत्सव के माध्यम से आप सामने लाते हैं और सामने ला करके लोगों को बता देते हैं कि अगले 355 दिन दोबारा यहाँ आना है और आकर के यहाँ ठहरना है और उससे यहाँ के लोगों को जो हमारे नौजवान नौजवतियाँ हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां ऑटो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई और इस घटना में बच्चे और महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घायलों को उपचार के लिए जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें एक मृत युवक की पहचान हुई। वहीं पुलिस महिला और बच्ची के शिनाख्त का प्रयास कर रही है। टेम्पो में घटना हुई है, हमें क्या पता है, हमारे पास तो खबर पहुंची है जमा थाने से। अच्छा, तो हम यहाँ पर आए, शिनाख्त हो गई। तो ये कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी है? अलीगढ़ आ रहा था ये, किस काम से? सामान लेने आ रहा था ये। अपनी शादी वादी हो गई है इनकी? शादी नहीं हुई है, रिश्ता हुआ है। रिश्ता हो चुका है, शादी तो ईद के बाद थी। घटना कहाँ हुई है ये? सुड़याल पे। किस किस वाहन के बीच हुई है, जानकारी है? बता रहे हैं जानकारी ना, जानकारी तो ये है। खबर अलीगढ़ से, जहां गोलगप्पे खाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दबंग पक्ष ने अवैध असलहे डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया और हमले के दौरान इलाका पुलिस देरी से पहुंची, जिसके चलते ग्रामीण रोड जाम कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घायलों का उपचार मलखान सिंह जिला अस्पताल में कराया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां के सिविल अस्पताल में एक महिला ने मात्र 15 दिन की दूध पीती बच्ची को अस्पताल के प्रांगण में लावारिस हालत में मरने के लिए छोड़ दिया और मौके से फरार हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोषी माता पिता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। एक लड़की लेके आई थी, वहाँ पे रो रही थी वो, तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो मैं ले गया उसको, पहले इमरजेंसी में दिखाया, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एडमिट करवा दिया उसे। कहाँ मिली है बच्ची? ये ओपीडी के, ओपीडी कार्ड बनते हैं जहाँ पे, उसके पीछे बरामदे में और मतलब कॉर्नर में डाली हुई थी। हाँ जी, कॉर्नर में डाली हुई थी। अच्छा। बैठी थी एक लेडीज वहाँ पे, लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी उसने, वो बैठी थी लेके बच्ची को, और मेरा शक जा रहा उसी पे, वही है उसी की माँ। तो अभी फिलहाल सीसीटीवी कुछ देखा हो या कुछ पता लगा हो? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं देखा, सुबह पता चलेगा, खुलेंगे। आज हमारे को चौकी में सूचना मिली थी कि कोई 10-15 दिन की छोटी बच्ची है, जिसको कोई उसके माता पिता यहाँ छोड़ के चले गए हैं। जो सूचना पाने पर हाजिर हम भी के आए थे, बच्चे को स्टाफ ने निकू में एडमिट करा दिया है और कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, कोई कम्प्लेंट लेने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जल्दी माता पिता का सुराग लगा लिया जाएगा। सर, आपकी डॉक्टरों से बात भी हुई होगी, बच्चे की हालत कैसी है? बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अब तक बिल्कुल स्वस्थ है। तो प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, किस तरीके से, क्यों छोड़ के गए होंगे, किस तरीके? भाई किसी ने अपना जिम्मेवारी नहीं समझी, पालन पोषण।
फतेहपुर के किशनपुर में बीते 18 मार्च को मामूली बात को लेकर सिंगरौर और सोनकर समाज के कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद अब जिला प्रशासन ने सूझबूझ सक्रियता दिखाते हुए रविवार को न केवल संभ्रांत नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की, बल्कि दोनों जातियों के संभ्रांत लोगों ने हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से क्षमा याचना भी की। दोनों समुदाय के लोगों ने आला अफसरों के साथ शांति मार्च का भी हिस्सा लिया। किशनपुर प्रकरण में अभी आज थाने पर पुनः जो दोनों वर्ग जिनके बीच में जो घटना घटित हुई थी और कहीं ना कहीं सबके साथ बैठक की गई है और सबके साथ यहाँ पर जितने भी ग्रामों से और कस्बे से जितने लोग आए थे सबके साथ मिलजुल करके सबके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अभी फिलहाल हम लोग सभी लोगों ने पूरे कस्बे में साथ मिलकर के उन लोगों के साथ ही फ्लैग मार्च किया गया, शांति व्यवस्था सुनिश्चित है। देखिए, दुर्भाग्यवश होली के दिन रंग खेलने के लेकर के रंग खेलने को लेकर के और विवाद हो गया था जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है। पुलिस के साथ भी कुछ अभद्रता हो गई थी, उसका भी अभियोग पंजीकृत है। ये अलग बात है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निष्पक्ष पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें सब में कार्रवाई होगी, उसमें किसी का बचाव नहीं होगा। लेकिन शहर में कस्बे में यहाँ पे एक सद्भाव के लिए हम लोगों ने आज एक मीटिंग की है। सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, सभी गणमान्य नागरिक गाँव से भी आए थे, शहर के भी लोग थे, व्यापार मंडल के भी लोग थे, पत्रकारगण भी थे। सबसे अपील की गई है और सबने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी। गले शिकवा अपना दूर किए, लोग गले मिले हैं सबको, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाए हैं। हम भी आशान्वित हैं बिल्कुल कि अब भविष्य में कोई घटना नहीं होगी। खबर गाजीपुर से है जहां पुलिस ने एक होटल के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की और पुलिस प्रशासन ने स्टेशन रोड पर स्थित होटल मधुर तरंग को कुर्की। बता दें, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्यवाही की। वही होटल मालिक अब अपनी बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। वही आदेश की कार्रवाई पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की है। वही होटल के मालिक पर अपनी ही बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, जिसके होटल को कुर करने की बात कही गई है। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, होटल मधुर तरंग को पुलिस ने कुर करने की बात कही है। कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड पर स्थित इस होटल को कुर करने की बात कही गई है। होटल मालिक पर अपनी ही बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। सीबीआई ने गाजियाबाद के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई के कार्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी और निजी व्यक्ति को 60 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि रिश्वत मांगने के आरोप में आरोपी के खिलाफ शिकायत का मामला दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई के जाल बिछाए और निजी व्यक्ति को रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। इसके अलावा आरोपी के परिसरों की भी तलाशी ली गई। रायबरेली जनपद के सरेनी क्षेत्र के अंतर्गत हमीर गांव में एक व्यक्ति ने महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। पीड़ित महिला की आवाज सुनकर उसके ससुराल वाले मौके पर पहुंचे। मौके के पर बीच बचाव करने आए ससुर पर शातिर व्यक्ति ने लाठी डंडे से हमला कर दिया और घायल कर दिया। पूरे मामले में अब पीड़ित बहू और ससुर ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि वृद्ध ससुर की ओर से दी गई तहरीर पर मेडिकल जांच करवाते हुए विविध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम प्रार्थना पत्र दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आप एप्लीकेशन लिए, अभी कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं। मेडिकल वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब रफा दफा कहते घर चली जाओ, कोई सुनवाई नहीं।
खबर रामपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया। वहीं स्वार के नेतृत्व में थाना टांडा पुलिस को सूचना दी कि नगली बॉर्डर के पास मुरादाबाद की तरफ से जंगल में प्रतिबंधित पशुओं को मारकर मांस को कार में भरकर ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक टांडा गौरव सिंह यादव को सूचना मिली थी कि मुरादाबाद की तरफ से एक स्विफ्ट कार में कुछ बदमाश प्रतिबंधित पशु का मांस मुरादाबाद से सैद नगर रामपुर की तरफ लाएंगे। इस सूचना पर गौरव सिंह ने अपने साथी एसएसआई अमरेश चंद, एसआई आदेश और हमराई कांस्टेबल के साथ मुरादाबाद बॉर्डर पर चेकिंग करनी शुरू कर दी। तभी सुबह 7 बजे एक स्विफ्ट कार मुरादाबाद की तरफ से रामपुर की तरफ आती हुई दिखाई दी। इन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी बैक करके भागने लगा और उसकी गाड़ी इसी भाग दौड़ में एक आम के पेड़ से टकरा गई। बदमाश गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने फायर किया और पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई, बदमाश गिर गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।